16 से स्टार्ट होगा ना, 15 तक कंप्लीट है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या क्या दे रखा है। इक्वल लेंथ है, एक एल्युमिनियम वायर, दूसरा कॉपर वायर, रेजिस्टेंस सेम है। विच वन ऑफ द टू वायर्स इज लाइटर, मास के टर्म में आपको बताना है। ठीक, और कुछ पैरामीटर दे रखा, बुक कहाँ है, और क्या क्या पैरामीटर दे रखा है क्वेश्चन में देखो। रेसिस्टिविटी दे रखा है, चलो ठीक है। तो यहां पे रेसिस्टेंस को लेकर के बनाएंगे, रेजिस्टेंस दोनों का सेम है, तो रेजिस्टेंस एल्युमिनियम वायर का और कॉपर वायर का सेम दे रखा है। रेसिस्टेंस को रेसिस्टिविटी के टर्म में लिखते हैं, तो रेसिस्टिविटी अब क्या है, दोनों का सेम रेजिस्टेंस, इक्वल लेंथ, तो रो एल आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो लेंथ सेम, एरिया डिफरेंट, तो एरिया ऑफ एल्युमिनियम वायर, रेसिस्टिविटी कॉपर, लेंथ सेम, एरिया ऑफ कॉपर, हो गया। अब हम लोगों को मास के टर्म में निकालना है, लाइटर मतलब मास के टर्म में ही निकालना है, तो यहां पर रेसिस्टिविटी, एरिया, रेसिस्टिविटी, एरिया, ठीक, रेसिस्टिविटी दे रखा है और क्या पैरामीटर दे रखा, रिलेटिव डेंसिटी दे रखा, तो यहां पर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकते हैं। वॉल्यूम को एरिया इनटू लेंथ लिख सकते हैं। गौर से देखो, अब एरिया का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो एरिया क्या गया, एम बाई एल डी, चेक करो, लेंथ सेम है तो एरिया की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, एम बाई डी, ठीक, तो एरिया एल्युमिनियम का, मास एल्युमिनियम, डेंसिटी न्यूमरेटर में चला गया, तो डेंसिटी एल्युमिनियम, राइट साइड आ जाओ, रेसिस्टिविटी कॉपर, एरिया देखो क्या गया, मास कॉपर और डेंसिटी कॉपर, हो गया। कंपैरिजन मास का है, तो मास एल्युमिनियम का और मास कॉपर दोनों का रेशियो क्या देगा, या एम कॉपर ही लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको आसानी होगी। तो मास ऑफ कॉपर वायर, मास ऑफ एल्युमिनियम वायर क्या गया, रेसिस्टिविटी कॉपर होगा, रेसिस्टिविटी एल्युमिनियम, स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, डेंसिटी कॉपर और डेंसिटी क्या गया, एल्युमिनियम होगा। सारे पैरामीटर को पुट करो और देखो मास का वैल्यू क्या आता है। रेसिस्टिविटी कितना है कॉपर का,
टेंट पार मानसेट एल्युमिनियम का 2.63 हाँ -8 चलो ठीक। डेंसिटी कॉपर का 8.9 एल्युमिनियम का 2.7 देखो क्या वैल्यू आ रहा है। सबको सिंप्लीफाई करके कंफर्म रेशियो क्या आ रहा है, सबको सिंप्लीफाई करके। इधर एकदम स्लो है, सब कुछ नहीं, एकदम कितना आ रहा है 13 कंफर्म 2.13 मास कॉपर मास एल्युमिनियम रेशियो लेस देन 1 होता। यहां पर मास किसका ज्यादा है, कॉपर का। आंसर क्या आ रहा है, रेशियो लेस देन 1 होता तो क्या होता, एल्युमिनियम। सिंपल है, रेशियो से ही कंपेयर कर लेंगे। आ गया समझ में, बनाने का तरीका आया समझ में। ठीक, तो मास कॉपर का ज्यादा। अब क्वेश्चन में कहता है एक्सप्लेन व्हाई एल्युमिनियम वायर्स आर प्रीफर्ड ओवर फॉर ओवरहेड पावर केबल्स, क्यों एल्युमिनियम इज लाइटर देन कॉपर, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है डेटा, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस ऑन ए रेसिस्टर मेड ऑफ एलॉय मैंगनीन, करेंट वोल्टेज करेंट वोल्टेज। सिंपल, आप एक ग्राफ प्लॉट करके देखो क्या कंक्लूजन मिलता है। करेंट वोल्टेज, तो सबसे पहले करेंट आप एक्स एक्सिस पर रख देंगे, पहला वैल्यू वही है। जस्ट ए मिनट, तो करंट का जो भी वैल्यू है वो एक्स एक्सिस पर आप पुट करेंगे। एक मिनट जरा रहने दो, वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा। तो करंट एम्पियर और यहां पर वोल्टेज इन वोल्ट, आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि क्या ग्राफ का नेचर आ रहा है, बस यही है। तो डिवीजन जो भी है वो आप पुट कर दीजिए, 0.2 0.4 0.6 0.8 1 और फिर उसके बाद 2 है 3 है 4 है 5 है। अब इतना ही वैल्यू हम लोग ले रहे हैं। अब वोल्टेज का देख लीजिए 3.94, वो तो आप डिवीजन बना लेंगे 7.87,
नेक्स्ट आ जाए 11.8, नेक्स्ट वैल्यू 15.7, नेक्स्ट वैल्यू 19.7, नेक्स्ट है आपका 39। बस इतना ही डेटा से पता चल जाएगा। तो 0.2 के कॉरस्पॉन्डिंग 3.94। इसी तरह से आप देखिएगा तो ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन आ रहा है। क्लियर? क्या इंडिकेट कर रहा है? स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यदि वीआई ग्राफ लीनियर हो और ओरिजिन से पास कर रहा हो तो क्या होते हैं? ओमिक कंडक्टर्स होते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि कर्व होता तो क्या बन जाता? ये नॉन ओमिक बन जाते। चलिए नेक्स्ट है, देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या दे रखा है। देख लो आंसर में क्या है, वही है। चलो ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, इरेज कर दें। क्वेश्चन नंबर 18, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ऑब्जेक्टिव भी है, मतलब एक तरह से एमसीक्यू के फॉर्म है। स्टडी करंट फ्लो फ्लोस इन अ मेटालिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, विच ऑफ दीज क्वांटिटीज इज कॉन्स्टेंट अलोंग द कंडक्टर करेंट। ध्यान से, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब एरिया चेंज कर रहा है। करेंट, नेक्स्ट टर्म है करेंट डेंसिटी, ऑब्वियसली आई बाई ए, ये चेंज करेगा क्योंकि करंट पर यूनिट एरिया और एरिया नॉन यूनिफॉर्म है, इसलिए ये चेंज करेगा, चेंजेस। नेक्स्ट क्वांटिटी क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा, जे इज इक्वल टू सिग्मा इन टू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आ जाए तो जे बाई सिग्मा। यदि करंट डेंसिटी चेंज कर रहा तो ये भी चेंज करेगा। नेक्स्ट आ जाए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, तो वीडी को हम लोग करंट डेंसिटी के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? जे इज इक्वल टू आई बाई ए, आई का वैल्यू क्या था? एन ई ए वीडी, एरिया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बन गया? जे बाई एन ई, ये भी चेंज कर गया। क्लियर? इसका मतलब कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट रह गया? करेंट। और याद है हमने आपको बताया भी था कि डिफरेंट क्रॉस सेक्शन होंगे, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने करा भी था कि यहां से करेंट का फ्लो है और यहां का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए वन, यहां का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए टू, तो यहां का करंट डेंसिटी हम लोगों ने निकाला था, करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट डेंसिटी यदि डिफर हो गया तो सारे क्वांटिटी भी चेंज कर जाएंगे। तो एक कैसा, कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट है? करंट कांस्टेंट है। तो आंसर हमारा हो गया करंट। देख लो आंसर, चेक करो। चलिए अब आ जाए बी। बी क्वेश्चन में कहता है इज ओम्स लॉ इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट्स? नो। ओम्स लॉ कहां कहां पर फेलियर था? याद होगा डायोड के केस में, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के केस में, और फिर गैलियम आर्सेनाइड हमने बताया था, कैडमियम सल्फाइड, ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे सब्सटेंस के लिए वीआई ग्राफ नॉन लीनियर था, वोल्टामीटर के लिए भी, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी। बी हो गया। चलिए नेक्स्ट है सी। ए लो वोल्टेज सप्लाई फ्रॉम विच वन नीड्स
हाई करंट मस्ट हैव वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस. ऑब्वियसली सी पार्ट के लिए करंट इज इक्वल टू ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस है, तो आर का वैल्यू यदि लो होगा तभी करंट का सप्लाई ज्यादा होगा. डी ए हाई टेंशन सप्लाई ऑफ से 6 किलो वोल्ट मस्ट हैव ए वेरी लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट के लिए ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस है, तो जब ये हाई टेंशन सप्लाई होता है इतना वोल्टेज है, तो उस कंडीशन में यदि आर का वैल्यू स्मॉलर रखेंगे तो लार्ज करंट का फ्लो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो सकते हैं, इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस को हमेशा हाई रखा जाता है. क्लियर हो गया, चारों पार्ट हो गए, समझ में आ गया सबको? इरेज कर दें. चले क्वेश्चन नंबर 19 कहता चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. चलो अब ये बताएगा एलॉयज ऑफ मेटल्स यूजुअली हैव मेटल्स और एलॉयज, यही कह रहा ना, किसका रेसिस्टिविटी ज्यादा होता है, एलॉयज के रेसिस्टिविटी ज्यादा है, इसलिए आंसर क्या हो गया, ग्रेटर. बी कहता है एलॉयज यूजुअली हैव मच टेम्परेचर कोफिशिएंट, लोअर और हायर, लोअर होगा, गुड, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है. द रेसिस्टिविटी ऑफ द अलॉय मैंगनीज इज नियरली इंडिपेंडेंट, इंक्रीजेस रैपिडली विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि बता रखा है कि जितने भी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस में हम लोग अलॉयज को यूज करते थे, लिस्ट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, इसलिए टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, स्ट्रेन, इन सब से वो इंडिपेंडेंट होता है. द रेसिस्टिविटी ऑफ ए टिपिकल इंसुलेटर लाइक अंबर इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ ए मेटल बाई अ फैक्टर ऑफ, ये याद रखिएगा, अप्रोक्सीमेटली ये 10^22 होता है, ये वैल्यू याद रखना चाहिए. चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है रेजिस्टेंस इन रेसिस्टर्स है, सबका वैल्यू कैपिटल आर है, हाउ विल यू कंबाइन देम टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू. मैक्सिमम कब होगा, जब सारे रेजिस्टेंसेस को हम सीरीज में कनेक्ट कर दें, सीरीज में कर देंगे तो ये एन आर हो जाएगा, एन टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस. मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस जब हम इसको पैरेलल में कर देंगे तो आर मिनिमम इज इक्वल टू आर बाई एन हो जाएगा. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू मिनिमम, तो मैक्सिमम बाई मिनिमम का रेशियो निकाल लेंगे, आर मैक्सिमम बाई आर मिनिमम, आर मैक्सिमम एन आर और ये आर बाई एन हो गया, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, एन स्क्वायर इज टू वन का रेशियो. ठीक, बी पार्ट क्या था, ये पार्ट का था फर्स्ट सेकेंड और बी. गिवन द रेसिस्टेंस ऑफ 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, हाउ विल यू कंबाइन देम टू गेट एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 11/3. ये हीट एंड ट्रायल है, या हीट एंड ट्रायल मतलब आप दो को सीरीज, दो को पैरेलल ऐसे करके बनाओगे तो आपको इफेक्टिव मिलना चाहिए. तो आप देखिए, बना करके कोशिश कीजिए, यदि हम तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दें, ध्यान दीजिएगा, तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो क्या आएगा, 6 ohm आ जाएगा. इसका मतलब थर्ड वाले के लिए क्या गया, हम लोग ऐसे ही ट्राई करेंगे, तीनों को सीरीज में कर देंगे तो इस कंडीशन में थर्ड वाला आंसर आ जाएगा, 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm. ठीक, अब एक बार पैरल कंबाइन करके देखिए, पैरल में क्या आ जाएगा, 6 / 6 + 2 + 3 कितने आ गए, 6/11. इसका मतलब फोर्थ हमको मिल गया, तीनों रेसिस्टेंस पैरल में यदि कंबाइन हो जाते हैं. ऐसे ही बनाना चाहिए, एकदम इजी वे में.
तो फोर्थ मिल गया। अब हम दो सीरीज करें और एक पैरेलल करें, देखते हीट एंड ट्रायल, दो सीरीज कर दे, इसके पैरेलल एक कर देते, देखते क्या आता है भाई। वन ओम कर दिया, टू ओम कर दिया और ये थ्री ओम, देखो क्या आ गया, थ्री और थ्री पैरेलल, 1.5 कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये पॉसिबल कंडीशन नहीं हो रहा किसी के लिए भी, ठीक। चलिए अब आ जाए वन और टू को पैरेलल में कर दे, वन ओम और टू ओम को पैरेलल कर दे और थ्री इसके साथ सीरीज में कर दे, देखो क्या आ रहा, 2/3+3 कितने आ गए, 11/3, इसका मतलब पहला वाला कंडीशन आ गया। ऐसे ही बनाया जाता है। फिर आ जाओ टू और थ्री को हम लोग पैरेलल में कर दें और वन को ऐसे रखे, टू ओम थ्री ओम, चलो कितने आ गए भाई, 11/5, ये सेकेंड ऑप्शन हो गया। कहीं कोई नकल नहीं करना है, एकदम ऐसे ही बनाइए, आ गया समझ में, क्लियर सबको, इरेज करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, कहता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर, तो ए वाले में, पहला जो फिगर है ए वाले में, एक लूप को सॉल्व करो और उसका कितना टाइम्स है, 1, 2, 3, 4 टाइम्स हो जाएगा, ये आपके पास 1 ओम है, ये 1 ओम है, 2 ओम 2 ओम, इसको सॉल्व करो, ऊपर वाला आ गया 2 ओम और नीचे वाला आ गया 4 ओम, कितने आ गए, 4/5, तो ये 4/5 हो गया और कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 से मल्टीप्लाई 16/5 ओम है आंसर, क्या ये 4/5 गलत तो बता दिए, 4/3 होगा, तबीयत इसकी कल खराब थी, कोई बात नहीं, अरे 8/6 हो गया, तो 4/3 × 4 16/3 ओम हो गया पहले का आंसर। दूसरा वाला पार्ट यहां से स्टार्ट करो, ये 1, 2, 3, 4, 5 सारे सीरीज में सीधा 5 आर, देखो ना भाई आंसर देख के कितना जल्दी जल्दी बोल रहा है, कितना इंटेलिजेंट है, आंसर शीट सामने रखा होगा और आंसर नहीं रो, अरे तुम्हारे मेमोरी में आंसर है, तुम इतने इंटेलिजेंट हो मत पूछो, हाँ तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा स्लोगन आएगा, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, हाँ हो गया। अब आ जाए 21, कहता है डिटरमाइन द करेंट ड्रॉन फ्रॉम ए 12 वोल्ट सप्लाई विद इंटरनल रेजिस्टेंस, दे रखा है, इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क है और ऐसा क्वेश्चन हमने आपको कैपेसिटर में पढ़ाया था, ठीक। अब यहां पर देखिए इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया था, इसके बाद सारे टर्म रिपीटेड है इसलिए हम लोग इसको x ओम एज्यूम कर लें, ये 1 ओम, ये 1 ओम, इसको ए बी टर्मिनल मान लेते हैं, यहां पर देख लीजिए ये 1 ओम हो गया, ये 1 ओम, ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो x इंटू 1/x+1,
ए बी टर्मिनल, तीनों सीरीज में हो गया रेजिस्टेंस ए बी, तीनों सीरीज में वन प्लस एक्स बाई एक्स प्लस वन, इट इज टू प्लस एक्स बाई एक्स प्लस वन, और ये ए बी का रेजिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं इफेक्टिव बी एक्स लेते हैं, तो फाइनली क्या बन गया ये एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस एक्स हो गया माइनस टू एक्स, माइनस टू इज इक्वल टू एक्स, एक्स और एक्स कैंसिल हो गए तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या होता है सॉल्यूशन माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, ठीक तो ये आ गया टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी डिवाइडेड बाई टू, सॉल्व करो इसको ये टू आ गया प्लस माइनस अंडर रूट ये एट और प्लस देख लो कितने आ गए एट प्लस फोर ट्वेल्व हो गया बाई टू, इसको क्या लिखोगे टू प्लस माइनस टू रूट थ्री होगा डिवाइडेड बाई टू, फाइनली वन प्लस माइनस रूट थ्री, रेजिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव तो इस कंडीशन में इसका वैल्यू क्या आ गया कौन सा वैल्यू लेंगे वन प्लस रूट थ्री यही लेंगे, इसका मतलब यह हो गया 2.732, रूट थ्री का वैल्यू 1.732 प्लस वन 2.732। अब देखो हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में करेंट, करेंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ, ईएमएफ कितना दे रखा 12 वोल्ट बाय टोटल रेजिस्टेंस 2.732 एक्सटर्नल और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5, चलो डिवाइड करके जल्दी से आंसर बता दो। पॉइंट सेवन वन आंसर है, हो गया। अब देखो हमारे पास जो कलेक्शन वो पुराने एनसीईआरटी का है इसलिए आप देख लोगे कुछ क्वेश्चन चेंज है, कितना है टोटल 23, दो ही क्वेश्चन रह गए, नाइन ही क्वेश्चन है तुम लोगों के बुक में, हाँ उसमें नाइन ही क्वेश्चन है, हाँ तो एडिशनल क्या है एडिशनल तो एनसीईआरटी का ही तो एडिशनल तो बनाना ही है, हाँ चलो कोई बात नहीं आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन है तुम लोग चेक कर रहे हैं तो हमको भी हाँ ये पूरा पार्ट है देखो क्वेश्चन का, कितने पार्ट है क्वेश्चन में पांच पार्ट है, चलो ठीक कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन में दे रखा पोटेंशियोमीटर वायर है तो पोटेंशियोमीटर वायर के लिए कांस्टेंट करंट को मेंटेन करने के लिए 2 वोल्ट का सप्लाई है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम है सप्लाई का, ठीक ए बी पोटेंशियोमीटर वायर है। अब इसमें कहता है कि स्टैंडर्ड सेल विच मेंटेन्स ए कांस्टेंट करंट 1.02
वोल्ट फॉर एवरी मॉडरेट करंट अप टू अ फ्यू मिली एम्पियर गिव्स ए बैलेंस पॉइंट। पहला बैलेंस पॉइंट कहां मिल रहा है? 67.3। तो पहला बैलेंस पॉइंट, तो इसका मतलब L1, बातचीत नहीं करो, L1 इज इक्वल टू 67.3 सेंटीमीटर टू एंश्योर वेरी लो करेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द स्टैंडर्ड सेल वेरी हाई रेजिस्टेंस। अब इसके लिए 600 किलो ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट किया। अब कहता है कि स्टैंडर्ड सेल को रिप्लेस किया जिसका अननोन ईएमएफ ही है, और फाइनली जो बैलेंस पॉइंट मिला सेकेंड बैलेंसिंग लेंथ L2 इज इक्वल टू 82.3 सेंटीमीटर। और पहला ईएमएफ आपके पास कितना दे रखा? 1.02, मतलब E1 इज इक्वल टू 1.02 वोल्ट। अननोन ईएमएफ E2 फाइंड करना है। तो हमने कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ में बता रखा E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। E1 का वैल्यू 1.02, E2 हमारे लिए अननोन है, फर्स्ट बैलेंसिंग लेंथ 67.3 और दूसरा 82.3, सॉल्व करके E2 का वैल्यू निकालो। चलो 1.24 वोल्ट। आंसर चेक करो, चलो ठीक है, कोई बात हो गया। चलिए अब इसके ये फर्स्ट पार्ट होगा क्वेश्चन का, इरेज करें। चलिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, हम लोगों को फर्स्ट पार्ट मिल गया। चलिए तो E2 कितना मिला था? 1.24 वोल्ट, फर्स्ट पार्ट हो गया। कहता व्हाट पर्पस डज द हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम हैव? ऑब्वियसली गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर हाई रेजिस्टेंस 600 किलो ओम को हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। क्लियर? गैल्वेनोमीटर का दो यूज है, एक उससे हम लोग एमीटर भी बनाते हैं, वोल्ट मीटर भी बनाते हैं। तो गैल्वेनोमीटर को हम लोग एमीटर जब बनाते हैं तो उस कंडीशन में एक रेजिस्टेंस को हम लोग कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, वो शंट रेजिस्टेंस कहलाता, वेरी लो रेजिस्टेंस। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर हम लोगों ने 600 किलो ओम का हाई रेजिस्टेंस यूज किया। देखिए एक्सप्लेनेशन यही है, तो सीधा आप लिख देंगे आंसर, टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर, सिंपल, टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर सी क्या कहता है? इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय दिस हाई रेजिस्टेंस? नल डिफ्लेक्शन पर बेस्ड है इसलिए इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द हाई रेजिस्टेंस, तो बैलेंस पॉइंट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। हो गया, नोट कर लो, सी पार्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डी। डी कहता है इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ड्राइवर सेल? बोलो, बैलेंस पॉइंट से अफेक्टेड होगा क्यों नहीं होगा? अरे बताओ, सिंपली हम लोगों ने
जो भी ध्यान दो, जो भी ड्राइवर सेल यूज करते हैं वो कांस्टेंट करंट का फ्लो कराता है गैल्वेनोमीटर में। अब यहां पर इंटरन रेजिस्टेंस ड्राइवर सेल का आपने चेंज कर दिया, तो चेंज करने से क्या होगा, बैलेंसिंग लेंथ पर इफेक्ट आ जाएगा। तो आंसर यस। चलिए नेक्स्ट ई कहता, वुड द मेथड वर्क इन द अबव सिचुएशन इफ द ड्राइवर सेल ऑफ द पोटेंशियोमीटर हैड एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इंस्टेड ऑफ 2 वोल्ट। ड्राइवर सेल का ईएमएफ कितना है? ड्राइवर सेल का कितना है? ड्राइवर सेल के लिए कांस्टेंट करंट चाहिए, इसका मतलब ड्राइवर सेल का ईएमएफ मस्ट बी लार्जर देन सप्लाई। तो ये क्या है, 1 वोल्ट। यहां पर तो 1 वोल्ट, लेस देन 2 वोल्ट, इसलिए ये वर्क नहीं करेगा। तो रीजन क्या होगा, हमेशा याद रखेंगे कि ड्राइवर सेल का ईएमएफ अननोन ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर एफ, क्वेश्चन नंबर एफ कहता, वुड द सर्किट वर्क वेल फॉर डिटरमाइनिंग एन एक्सट्रीमली स्मॉल ईएमएफ मिली वोल्ट में हो, 10^-3 वोल्ट। तो क्या यह सर्किट वर्क करेगा, सोच के बताओ। पहले पढ़ो क्वेश्चन को ढंग से। अरे मिली वोल्ट में है, बहुत कम ईएमएफ है, तो सर्किट क्या होगा हमारा, अनस्टेबल हो जाएगा। अब कहता है इफ नॉट हाउ विल यू मॉडिफाई द सर्किट, सर्किट को मॉडिफाई करने के लिए क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे। ठीक। अब इसमें एक टर्म आया थर्मोकपल। थर्मोकपल जानते हैं, नाम सुना है, जब टू डिफरेंट मेटेलिक वायर को डिफरेंट टेम्परेचर पे कनेक्ट कर दे तो उस कॉम्बिनेशन को थर्मोकपल कहते हैं। जैसे कॉपर आयरन के कॉम्बिनेशन बना ले, एक कॉपर वायर ले ले, एक आयरन ले ले, एक को हमने आइस या कोल्ड वाटर से कनेक्ट कर दिया और एक को हमने हॉट वाटर से कनेक्ट कर दिया, एक वायर ऐसे और एक वायर ऐसे, इससे जो ईएमएफ जनरेट होता है उसको हम लोग थर्मो ईएमएफ कहते हैं। और जो कॉम्बिनेशन बनाया उसको हम लोग थर्मोकपल कहते हैं। और थर्मोकपल के केस में जो ईएमएफ होता है वो काफी कम होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया कि ये जो ईएमएफ, जब ये कनेक्ट हुआ इसका ईएमएफ काफी कम होता है, अप्रॉक्सीमेटली 0.2 वोल्ट के आसपास आता है, यहां तो मिली वोल्ट है, इसलिए अनस्टेबल हो जाता है। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यही है, तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं, हमको चेक करने में। ये नहीं है, ये नहीं है,
देख लो बुक में पहले। तुम लोग एक मिनट, हम चेक कर रहे हैं ना, एक रुक जाओ, एक मिनट देख लेते हैं। ये है, अच्छा वो पुराने वाले, ये पुराने वाले एनसीईआरटी का क्वेश्चन का कलेक्शन, जिसमें क्वेश्चन 23 है, जिसमें क्वेश्चन 24 या 25 है, उसमें ऐसा है। तो नए वाले बुक में इसके पहले वाले क्वेश्चन को डिलीट कर दिया, यही क्वेश्चन है ना 23, तुम लोग का भी नंबरिंग है, लास्ट क्वेश्चन है ना। चलिए 1.5, हाँ यही क्वेश्चन, ठीक लास्ट यही है। चलो अब आ जाओ, कहता द फिगर शोज ए 2-volt पोटेंशियोमीटर यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में एक रिलेशन पढ़ाया था, याद होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ई बाई वी माइनस 1 × R, पढ़ाया था हमने प्रीवियस क्लास में, जो पहला बैलेंसिंग लेंथ लिया था उसके लिए हम लोगों ने E1 L1 लिखा था, E2 का वैल्यू L2 लिखा था। जब हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं तो पहला ईएमएफ ई के लिए बैलेंसिंग लेंथ कितना है, चेक करो, पहला बैलेंसिंग लेंथ कितना दे रखा है, 76.3 सेंटीमीटर। इसका मतलब ई के लिए, ये ई वाला पार्ट है, इसके लिए L1 हो गया, ठीक। वी वाले पार्ट के लिए जो E2 है, सेकेंड बैलेंसिंग लेंथ कितना है, 64.8 सेंटीमीटर, इट इज L2। इसका मतलब इस फॉर्मूला में पुट कर दो, ये L1 / L2 - 1 × EXTERNAL RESISTANCE, पहला बैलेंसिंग लेंथ 76.3, सेकेंड बैलेंसिंग लेंथ 64.8, माइनस 1 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है वायर का, पोटेंशियोमीटर वायर का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू देखो कितना, (9.5 ओम) तो मल्टीप्लाइड बाई 9.5, देखो कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, 11.18 आंसर क्या है, और हम लोग का आंसर क्या आ रहा है, तुम क्या, तुम्हारी कौन हमको बता रही है आंसर, ये सब पागल है क्या, कितना आ रहा आंसर, तब पूरा आंसर गलत करा दोगे, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 10 में भी गलती करा दिया होगा, वही है। चलो हो गया सारा क्वेश्चन कंप्लीट, चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।